नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपंस मुस्मी प्रथम हेडलाइंस बालेश्वर जलेश्वर एनएच 60 बस्ता बाइपास निकट दुर्घटना बा बोलेरो को धक्का दे ओलटी पड़ा गोरु बोझे ट्रक तीन जन मृत्यु ट्रक में शताधिक गोरु 40 मृत उद्धार कार्य जारी आज विधानसभा बजेट अधिवेशन राज्य सरकार को घेर विरोधी रणनीति कोविड कटका भितर सबकि पेपरलेस सुरक्षा रे प्लाटून पुलिस कलाहांडी कलापाटे हाथी मड़क घटना आज आसवे केन्द्रीय टीम 22 तारीख जाए चलो हाथी मृत्युर कारण खोजा केन्द्र जंगल परिवेश विभाग पक्षर चारिजिया विशेषज्ञ दल कर स्थिति अनुधा महांगा ट्रिपल मर्डर घटना तदंत संपर्क में डीजीपी को चिठी लिखिले राज्य बीजेपी सभापति समीर महांति राजनैतिक हत्या विरोध में कौन कार्यानुषानी श्वेतपत्र पुलिस प्रकाश करने को दावी परी हत्या मामलें महा खुलासा धरा पड़ा एसआईटी मुख्य बोथ्रा महामिछ अर्गस हाथ में चार्जसीट कपी तीन साखी बाबुली नायकों खास कहले परी बापमा स्टेटमेंट रेकर्ड को नहीं उठला प्रश्न धर्मशाला पर बड़चणा रामको पाई लुट चली लघु खनिज पदार्थ माफिया को सुरक्षा देखते विधायक अमर शतपथी और सांसद शर्मिष्ठा सेठी सबु जारी चुप तहसिलदार और विभाग मंत्री मणिले मंडी समस्या सत लुचाइले लुचुनी राज्य सरकार को मिछ आंध्र बेपारी उठाऊ मौकार फायदा चाषी नुआ विपदर ना अदिनिया वर्षा एवं मोबाइल सिम आक्टिव करने बाहन डाक्तर को लगे चून 77,86,727 टकर ठकई कटक सीडीएस सेक्टर 7 अंचल घटना साइबर थाना एतला आज आरंभ हो विधानसभा बजेट अधिवेशन राज्यपाल बजेट अभिभाषण आरंभ हो गृह 22 तारीख में आगत हो 2021-22 आर्थिक वर्षर बजेट एथर बजेट अधिवेशन अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग स्थान पाई कोटिया विवाद सह सीमावर्ती गाँव में आंध्र पंचायत निर्वाचन मंडी अव्यवस्था टोकन समस्या परी हत्या महांगा डबल मर्डर विपर्यस्त आईन श्रृंखला स्थिति खनि दुर्नीति डीएमएफर अपव्यवहार आवास दुर्नीति भाई अनेक प्रश्न स्थान पाई कांग्रेस भी उभय बीजेपी और शासक बीजेडी को घेरिया प्रस्तुत कर रणनीति दुर्बल नेतृत्व पर आंध्र ओडार जमी पश्चिमबंग बाली और छत्तीसगढ़ पा ने कथा उठाए बदल यह बाद मंडी अव्यवस्था चाषी समस्या बेकारी पानी जल समस्या और आंचलिक वैषम कथा उठाए कांग्रेस दुई पर्यायर चलो अधिवेशन 27 प्रथम पर्याय अधिवेशन शेष होगा बेले द्वितीय पर्याय मार्च 12-9 पर्यंत चलो गृह कार्य पूर्वाह्न 10:30-1.5 घंटा पर्यंत एवं अपराह्न 4-6 पर्यंत चलो स्वतंत्र दिन मानक संध्या 7 पर्यंत अधिवेशन चलो तेज संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित जोड़ी सीधासलख आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य आउ किसी समय अपेक्षा विरोधी माने पूरा तैयार अच्छा आज सरकार को घेरियापे देखु विस्मी निश्चय 16 विधानसभा षष्ठ अधिवेशन अर्थात बजेट अधिवेशन आज आरंभ होती संपूर्ण भाव में प्रिपेयर एवं कटका से कड़ाकड़ी कराई विधानसभा बाहर हो विधानसभा भितर हो कोरोना कटक सहित प्रशासन स्तर में कटका कराई गोटे भय रोच पुलिस प्रशासन को जेहेतु आत्माहुति उद्यम बढ़ुच्ची विधानसभा सम्मुख को साधारण व्यक्ति मैंने आस भरोसा विश्वास तुटुची गवर्नमेंट उपर सरकार तुटुची से समय से विधानसभा सम्मुख आसी आत्माहुति उद्यम करते आपको नहीं पुलिस प्रशासन भितर भय रही जोपाई विधानसभा बाहर कटका को जोरदार कराई विशेषकर विधानसभा जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करने 30 फोर्स पुलिस मुतयन कराई अनेपटे गुईंदा विभाग किसी अधिकारी साधा पोशाक विधानसभा बाहर बुलुंक रास्ता को डिवर्सन को चेंज कर डायभरसन चेंज कर रास्ता को संपूर्ण कटका कराई जमी आप पूर्व बुलेटिन कहते संपूर्ण पीएमजी पाखर एजी पर्यंत ए रास्ता को बंद कराई सर्वसाधारण व्यक्ति विशेष मैंने ये रास्ता दे जास करें ना आपर कटका लगे विधानसभा कार्यसूची विषय आप कह आज प्रथम दिन 11 बेले ही
विधानसभा आरंभ करा जिवो धीरे धीरे प्रत्येक विधायक मंत्री माने आसिलेनी गृह को एवं आउ किछ समय पर वाचस्पति मध्ये आसीबे दिन ठीक 10:45 मिनिट समय रे राज्यपाल आसिबार समय रहिछि एवं राज्यपाल आसिबा खेणी तांकु गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिवो एवं परवर्ती समय रे तांकु मार्शल जोगे सीधा सळक निया जिवो गृह भितर को गृह भितरे सीधा सळक राज्यपाल अभिभाषण रखिबे एवं अभिभाषण परे परे जो माने दिवंगत नेता रहिछन्ति एवं कोविड समय रे जो माने प्राणबळि दैछन्ति जो माने प्राण हरायछन्ति समानक लागि शोक प्रस्ताव आगत करा जिवो प्रथम जी रही गृहर मुख्य जी रही शासक दल मुख्य जी रही नवीन पटनायक मुख्यमंत्री से प्रथम शोक प्रस्ताव आगत करेंगे तापर विरोधी दल नेता और कांग्रेस विधायक नेता समस्ते यहाँ पर अभिभाषण रखिए और परवर्त समय अन्य सब कार्यसूची आधार में विधानसभा अर्थात गृह कार्य चलो सब बड़ कथा एथर पेपरलेस कराँ जानते कोरोना कटका भितर जितेबाला समय निर्घंट को किटा कमाइला एथर से समय निर्घंट को बढ़ाई अर्थात दैनिक 5 घंटा विधानसभा गृह कार्य चलो जो दिन स्पेशल सेशन थी से दिन ही 6 घंटा करता संध्या 7टा जाए गृह कार्य चलो अंपटे आप देखिए जो प्रथम पर्याय और सेकेंड पर्याय प्रथम पर्याय जितेबाला आज आरंभ हो 28 तारीख पर्यटन चलो सेकेंड पर्याय मार्च 12 तारीख एप्रिल 9 तारीख पर्यटन चलो यही समय आप देखिए प्रत्येक दिन 10:30 गृह कार्य आरंभ हो दिन 1:30 पर्यंत चलो पुणी मुलतवी कर अपराह्न अधिवेशन को 4:00 से 6:00 पर्यंत कर सबुठ बड़ कथा हूँ एथर जो प्रश्नकाल को रखा जाए कारण पूर्व दुईट सेसन प्रश्नकाल बातिल कराई एथर प्रश्नकाल को रखा जाए प्रश्नकाल समय अनेक विभिन्न प्रसंग विषय आलोचना करा सहित शून्यकाल और परवर्त समय जो मुलतवी प्रस्ताव आलोचना हुए टाइम को बढ़ाई अर्थात 1.5 घंटा कराई सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हूँ एथर अनेक प्रसंग धरी विरोधी मैंने गृह को लंबा तालिका रही विरोधी पाखे जबली मुझे पूर्व बुलेटिन कहती कोटिया प्रसंग ठूँ आरंभ कर सीमा बिवाद सहित आपड़ जानते महांगा डबल मर्डर घटना परी हत्याकांड एभली लंबा तालिका रही बीजेपी कांग्रेस पाखे सबुठ बड़ प्रसंग हेब एथर सीमा बिवाद को नहीं सरकार जो भाव में अवहेला कर सरकार जेहतु दृढ़ नेतृत्व नहीं पार ना से आंध्र हो पश्चिमबंग हो कि अंपटे छत्तीसगढ़ होभली अनेक राज्य बर्तमान राज्यर आम राज्यर 22 जिलार जो सीमावर्ती अंचल रही से कब्जा करते दृष्टिकोण सीमा बिवाद को नहीं सरकार क्यों ना क्यों व्याकफुट्रे अच्छा नहीं विरोधी हवाला करेंगे तुम्बितोपान करेंगे अंपटे मंडी समस्या कांग्रेस और बीजेपी मनस्थ कर सारी मंडी समस्या उभय कृषि मंत्री और समवाय मंत्री आपको घेरबे और प्रश्न करेंगे मंडी समस्या समाधान के कहीं मंडी समस्या प्रत्येक वर्ष उपजुची कहीं चाषी टीए मंडी की धान आने धान दीर्घदिन धरी मंडी में पड़ी रही उठी पार नहीं कहीं दलाल राज चली सब प्रसंग को नहीं घेरबे उभय समवाय मंत्री और कृषि मंत्री को सरकार को यह दिग्वे उत्तर रखा पड़ो सहित आप देखिए जो राजनैतिक हिंसा मुझ पूर्व बुलेटिन में कहती पंचायत निर्वाचन अर्थात 2017 पंचायत निर्वाचन ठूँ आज पर्यंत राज्य में 22 गोटी राजनैतिक हिंसा घटी सारा तो ताकु नहीं क्यों ना क्यों जो आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगिड़ चलती है राजनीतिक हिंसा बढ़ चलती या विरोधी घेरबे अंपटे कितु बीजेडी क्यों ना क्यों केन्द्रीय अवहेला नारा को पुणी थे शाणित आकार सामना को उभय कांग्रेस और बीजेपी को घेरिया केन्द्रीय अवहेला प्रसंग उठाइब कोल रॉयलिटी हो कि सेस जो आसूची तापर से प्रसंग उठाइब जो भाव केन्द्रीय अनुदान कमी प्रसंग को मध्य बीजेडी उठाए बोली गत काली जो विधायक दल बैठक रही है से मुख्यमंत्री जे रही जे शासक दल रही मुख्य सुप्रीमो रही से कथा कहते विधायक हूँ कि जो मैंने रही आगधाड़ी मंत्री मैंने रही प्रसंग उठाइबे कि केन्द्रीय अवहेला कराई उभय विरोधी और शासक दल मुहांमु होगा परिस्थिति गोटे प्रकार सामना को आसवा जहाँ सूचना मिलूमी निहत दिव्या आप समस्त नजर रहे बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आप समस्त सूचना बालेश्वर जिला बस्ता थाना 60 नंबर जातीय राजपथ गांधी छक एक गुरु बोझे ट्रक रास्ता कड़ को ओलटे पड़े ट्रक में जाता 3 जन मृत्यु घटी एथसहित चालाण होता 40 गुरु मृत्यु घटी जमापड़े कंटेनर शताधिक गुरु लदा हो जाते ट्रक टी भद्रक्रु पश्चिमबंग अभिमुखे द्रुतगति में जाता बाटर एक बोलेरो को पछपटू धक्का ट्रक टी रास्ता कड़ को 10 फुट तल को खसी पड़ा फल कंटेनर या 3 जन मृत्यु हो तेज अधिक सूचना सहित जलेश्वर फोनलाइन जो प्रतिनिधि गोपबंधु साहू गोपबंधु बर्तमान ताजा अपडेट कौन रही कहीं आम पूर्व जाने जो भाव में जो दुर्घटना घटी 3 जन मृत्यु घटी 40 गोर मृत्यु होती तेज उद्धार कार्य जारी रही हाँ देखो विस्मी बर्तमान जदि आम कह बर्तमान उद्धार कार्य पाखापाखी संपूर्ण हो जाएगी
ଏବଂ ମୃତକ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତିନି ଜଣ ହିଁ ତା ଘର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହା ସେ ଚାଳିଶରେ ହିଁ ଅଟକିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ବସ୍ତା ଏସ୍ଡିପିଓ ଜଳେନ୍ଦ୍ର ଜାଲି ଏବଂ ବସ୍ତା ଆଇଆଇସି ଅଶୋକ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଗଚାଲାଣ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳି ଏବେ କଣ୍ଟେନରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଇ କଣ୍ଟେନରଟି ଯାଉଥିଲା, ଅମାନବୀୟ ଭାବେ ଲଦାଲଦି ହୋଇ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ଏହାଦେହରେ ଥିଲା। ତେବେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କହିବା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେବ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ଯାହା ବସ୍ତା ଏସ୍ଡିପିଓ ଜଳେନ୍ଦ୍ର ଜାଲି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ମି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗତକାଲି ରାତିର ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସି ଯଦି କହିବା ସମୟ 10ଟା ପରେ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେତେ ଦୂର ଯଦି କହିବା ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଥିଲେ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏନେଇ କି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭଦ୍ରକରୁ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋରୁର କଣ୍ଟେନରଟି ବାହାରିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ କଣ୍ଟେନରଟି ବାହାରିଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 6:00 ସମୟରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କଣ୍ଟେନରଟି ଏନ୍ଏଚ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗୋରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଆଶା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ବସ୍ତା ଜଳେନ୍ଦ୍ର ଜାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିସ୍ମି ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର କୌଣସି ପତା ମିଳିଲାଣି? ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯାହା ପ୍ରଥମିକ ସୂଚନା ଥିଲା ହୁଏତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ତଳେ ଚାପି ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଛି ତେବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ବିସ୍ମି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝରପୋଖରିଆ ଥାନା ମୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ଢିପା ସାହି ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟିବା ଘଟଣା, ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, 40ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 15 ଫୁଟ ତଳକୁ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଝରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଡମଣ ସାହିରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶୀର୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ, ମଦ ନିଶାରେ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ମିରିପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଆଳ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ମାଆ ମଣି ଶିଆଳଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ଥିବା ଠେଙ୍ଗା ଓ କତାରେ ପ୍ରଥମେ ବାପା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ବାପା ଓ ଭଉଣୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ପରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ରାତିର ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି, ବେଳ ଅଧାରେ ପିଟିଛି ମୋ ବାପାକୁ ମୋ ମାଆକୁ, କବାର ଦେଇ ଘର ନୁଚିଥିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାରେ ପଳେଇନୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାରିଦେଇଛି। ତମେ କିଏ ହବ? ମୁଁ ଯା ଭଉଣୀ, ହାଣିଛି ପରା କଥା ଘସିକି ରଖିଥିଲା କାଲି ବେଳ ଅଧା, ସେଇଟା ହାଣିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ କଳାହାଣ୍ଡି କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ମଡ଼କ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ସେମାନେ କର୍ଲାପାଟ ଯାଇ ହାତୀ ମଡ଼କର କାରଣ ଖୋଜିବେ। PCCF ଶଶି ପଲ୍ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। 2 ପ୍ରକାର ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିକରେ ଥର୍ମାଲ୍ ସେନ୍ସର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଯାହା ରାତିର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବ। ଅନ୍ୟଟି ହାତୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ସାହାଣ ରୋଗ ବା ହେମରେଜ ସେପ୍ଟିସିମିଆରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜନବସତିର ସମସ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ହାତୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳାଶୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି PCCF। ଆମର ଯେମିତି ଏମ୍ଏସ୍ସି ତାଙ୍କର ମନିଟରିଂ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆମର ଲୋକ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବି ସେଠି ଲଗା ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଡ୍ରୋନ୍ର ସହାୟତା ବି ସେଥିରେ ନିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ସେ ୱାଟର୍ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଠି
ତାକୁ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବି କରାହେଇଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଛି। महंगड रिपोर्ट मोर घटनार तदंत संपर्क में डीजीपी को चिठी लिखिले राज्य बीजेपी सभापति समर महांते। राजनैतिक हत्या विरोध में कौन कार्यानुष्ठान श्वेतपत्र माध्यम पुलिस प्रकाश करने को से दावी करते। महंगा बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल हत्या और सेवानों हत्या कर मुख्य अपराधी प्रफुल्ल विश्वाल सड़क दुर्घटन होता मृत्युर पुंगखानुपुंख तदंत कराओ। केते दिन जाए बीजेपी नेता माने राजनैतिक हत्यार शिकार हेबे। पुलिस शासक दल चापरे आईन मंत्री को गिरफ करने तो दूर कथा तदंत परिसरभुक्त करूना। महांगा हत्याकांड पर प्रफुल्ल विश्वाल को मंत्री प्रताप जेना अंडरग्राउंड कर रखिथिले। ओडिशा रे अपराध हार वृद्धि पाइबार लगी। गाड़ी दुर्घटन प्रफुल्ल विश्वाल शरीर में गभीर आघात लगी बेले किपरी बाइक मोबाइल एवं हेलमेट सुरक्षित थिला बोली प्रश्न करछन्ते समर महांते। यासह घटन बार जन गिरफ होता बेले मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाल रहस्यमय भाव मृत्यु होगा बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर। मंत्री प्रताप जेना ना थिबा बेले पुलिस कहीं गिरफ करूना बोली मृतक परिवार लोक बारंबार अभियोग कर आसुछन्ते। तेणु घटनार तदंत केते दूर आगे तार तदंत करने को दावी हो। आसंता काली कोरापुट कोटिया घटना को नहीं सुप्रीम कोर्ट शुणाणी हेबो। एहा पूर्वरु सुप्रीम कोर्ट एआरंको सह राज्य सरकार को आलोचना होइछी। आलोचनार समस्त तथ्य रखिछंती कोरापुट जिलापाल। आलोचनार समस्त तथ्य राज्य सरकार को प्रदान करा जिवो बोली जिलापाल अब्दाल एम अख्तार सूचना देइछंती। कोटिया बासिदांको जीवन जीविका निमन्ते कार्य आरंभ करा जिवो बोली से प्रकाश करछंते। निहारे जलीगला संपूर्ण काजू जंगल। खोर्धा ब्लॉक अंतर्गत पुबुसाही और नुआगाँ मौजार काजू जंगल रे कही दुर्बृत्त निआ लगे जनापड़ी। फल पखापाखि 200 काजू और पटाश गच संपूर्ण जली जा ग्रामवासी मैंने सूचना देते। ग्रामवासी अग्निशम विभाग को जन अग्निशम विभाग घटनास्थल पहुंच ना स्थानीय ग्रामवासी निआ को आयत्त करने चेष्टा जारी रखिंट। एसआईटी चार्जसीट रु सामना को आसला अरुण बोथरा का आउ एक बड़ मिछ। मंत्री अरुण साहू को सुरक्षा पाई मिछ साक्षी बनाई। एसआईटी चार्जसीट जो तीन जन साक्षी ना कहुची से समस्ते बाबुली नायक खास। जो दुर्योधन प्रधान चरण प्रधान और खदल बेहरा कथा कहुची से समस्ते बाबुली नायक लोक बोली अभियोग करी बापा अशोक साहू। धरा पड़गला अरुण बोथरा महामिछ। अरुण साहू को बचाई बनाई मिछ साक्षी। तीन साक्षी होती बाबुली नायक खास। बाबुली नायक मंत्री अरुण साहू का पाख लोक अर्गस हाथ में चार्जसीट कपी जामपली गप पार्ट टू महाखुलासा। परी अपहरण और हत्या मामलें चिल्ड्रेन कोर्ट में एसआईटी दाखल करसीट नजर पकातु ए कपी उपरे तीन साक्षी कथा उल्लेख कर एसआईटी मुख्य अरुण बोथरा। आउ ये तीन साक्षी होती बाबुली नायक खास बाबुली मंत्री अरुण साहू का राइट हैंड। साक्षी नंबर वन चरण प्रधान। बाबुली नायक ट्रैक्टर ड्राइवर थिले चरण प्रधान। चार्जसीट उल्लेख रही चरण प्रधान घटना दिन परी अभियुक्त नाबालक कैंपस प्रवेश करुथिबार से देखी। ए चरण प्रधान आगु बाबुली नायक ट्रैक्टर चलाउथिले। बड़ प्रश्न जदि से देखी परी अभियुक्त घर को जाइछी एक कहीं तार बापा माँ को कहले कहीं नयगढ़ पुलिस को जनइला ना कहीं परी बापा माँ को भुआ बुलाइले। से साई गोटा जाक अच्छा बाबुली समस्ते बाबुली चेला लाखे बाबुली जहाँ कह काउ अच्छे बाबुल कह ना से काउ नुह कोइली समस्ते कह हाँ कोइली सेठ से जो अच्छा पूरा पंचस्तर रु अधिक भाग कह गए 90 भाग लोक केवल बाबुली बाबुली जेहेतु से गोटे मंत्री खास लोक से बहुत लोक धरिकी रखी समस्त से साईटा जो कहते खाली मद गंजे ब्राउन सुगार ये से साईटा भर्ती होती से मद गंजे ब्राउन सुगार समस्त ता संगे संगे समस्त भी जार क्या इंदिरावास क्या विजु पक्का घर एमती समस्त जहाँ दे जनकर दीटा लाखे भी आसी से केवल पैसा बांटी बांटी लोक को आम विरोध में मतईजी
से साक्षी कौन से साक्षी देवे आज जाए तो से कहले ना आम जो बारंबार पचारू कि आम झील को नहीं कहतु बारंबार आम कांद कित कहलु समस्त कले कले आम देखनु साक्षी नंबर दुई दुर्योधन प्रधान बाबुली नायक घर पाखर दुर्योधन प्रधान तार खास भी दुर्योधन चार्जसीट ये साक्षी नंबर दुई ए दुर्योधन बाबू कड़े परी अभियुक्त नाबालक घर को प्रवेश कर देखे परीर बापा माँ कहवा कथा ये दुर्योधन प्रधान बारंबार कहला परी गाँव में ना बालुगा जा मतलब कहले दुर्योधन प्रधान सनातन नायक मुझे आसिक अटो रू धरिकी आसिक घर पहुँचिली मेडिकल रू से मत कहले पिला जाक ना पिला पलैसी अजा जो आसते से बालुआ पलैसी तुम्हें बालुआ जाक खोज आम वंश जाक भी जाकि बालुआ खोजुच आज्ञा सी गाँ खोजा कहला से कह ना गाँव में पिला ना पिला आम खोजी दे सब तुम जा बालुआ देख बालुआ पिला पलैसी एवं बड़ प्रश्न कहीं बारंबार दुर्योधन कहले परी बालुगा जा जदि से देखी ताहले एक कहीं परीर बापा माँ वो नयगढ़ पुलिस को कहले ना कहीं परी घर लोक को धमकाउले साक्षी नंबर तीन खदल बेहरा ये भी बाबुली खास चार्जसीट उल्लेख रही ये कड़े अभियुक्त को पोखरी आड़ को अखा धरी जा देखते जदि देखिले कहीं एक पुलिस को कही नी कहीं परी बापा माँ को कही नी कहीं सबू लुचे रखी सीए चरण प्रधान बाबुली नायक ट्रैक्टर ड्राइवर ताकू भी कहुई आगु सी नियम भी आस कर आम कहीं देखू कि जानू खदल प्रधान भी सी बाबुली लोक तार घर करदे सी तार घर कम कर सब तार लोक आज्ञा से मैं सेट करती गोटे पवित्र बेहरा जड़ा को सेट करम भाई ना दे कि भाई की तीन दिन तीन रात रखिक बाड़िया भाड़ा करी से किसी प्रमाण पाइले ठीक सेमती ये गोटे कल्पित गोटे कहानी सृष्टि करोहरा कर साक्षी भाव खाली से नुहे आहरी सांघातिक षड्यंत्र आसना को ये तीन साक्षी स्टेटमेंट रेकर्ड हो भुवनेश्वर जेएमएफसी कोर्ट में प्रश्न कहीं नयगढ़ करागला ना स्टेटमेंट रेकर्ड जो मैंने अभियुक्त से मानक धरी तदंत कले अरुण बोत्रा एवं आउ एक षड्यंत्र नजर पका चार्जसीट उल्लेख रही अटोपसी समय पूरा बोनी स्ट्रक्चर थिला किंतु इनक्वेस्ट रिपोर्ट उपरे नजर पकातु एतिर स्पष्ट भावे उल्लेख रही बारखंड हाड़ एवं खपुरी उधार होता पुणी गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र भी विधानसभा कहते जे शरीर जी अंश रही से दुष्कर्म हो ना कहपर आम जो गाँ खोजा गलु से दुर्योधन प्रधान से बारंबार कहला कहला झील गाँव में ना झील पड़ी बालुआ पड़ी मम देखी बालुआ पड़ी से बारंबार कहला सनातन नायक दुर्योधन नायक कहले कि से झील बालुआ पड़ी जो कान्ध बेहरा अच्छे बो मत बारंबार कहला कहला तुम झील बालुआ जा बसी आज जो फोटो उठे रखी जो सी खोज समस्ते प्राय से एंटर गोटे जाक समस्ते कहते दिन दसटा बेल दसटा साढ़े दसटा साढ़े दसटा बेल झील गायब है से गाँ गोटे जाक लोक कौन कहीं देखी ना जान ना सब आज्ञा देखी से सर से तार पावर ना से गाँ गोटे बंद कर रखक घंट घोड़ाई ये षड्र मंत्री अरुण साहू को बचाई ये जामकोली गप पार्ट टू नुहे कि कहीं दुईट अडियो भाइराल पर भी मंत्री अरुण साहू तदंत पिसर को आसिले ना प्रत्युष दिवाकर अरुण साहू कौन षड्र कर नाबालक को बचाई विधानसभा आरंभ हो चार्जसीट गप नुहे तो गत विधानसभा जानते नयगढ़ परी हत्याकांड पांगार डबल मर्डर केस एवं अनेक समय आज भी अपहरण हत्याकांड चोरी डकायती ये जो गोटे एपरी परिस्थिति होती आईन श्रृंखला परिस्थिति ताऊपरे गुरुत्वपूर्ण भाव में आज विरोधी दल एक आलोचन आलोचना हो सरकारी दल तर मंत्री आई संपर्क आ सहित जड़ित अच्छा बचेवाई बारंबार विभिन्न प्रकार नुआ नुआ नाटक माध्यम याकु परिवेषण करा जाउची याकु सेथिपे आम गोटे कथा कहूँ जे जेतेबेले पर्यंत आपण सीबीआई को यार केस देबे नाही से पर्यंत यार सत्यासत्य जणा पड़िबो नाही गोटे पांच वर्षर झीव को न्याय न देबा पई ये सांघातिक षड्यंत्र नुहे नयगढ़ शिवराम महापात्र व रोशन रथक रिपोर्ट अर्गस न्यूज नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे कोरापुट जिलार कोटिया पंचायत तीनोटी ग्राम रे पंचायत निर्वाचन स्थगित पाई आंध्र प्रदेश विरुद्ध रे ओडिशा दाखल करथिबा अदालत अवमानना आवेदन उपरे जवाब दाखल करछि आंध्र
ଓଡ଼ିଶା କରିଥିବା ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଆବେଦନକୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ବୋଲି କହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2006ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ମକଦ୍ଦମାକୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 131 ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖାରଜ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବିବୃତ୍ତି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କୋଟିଆ ବିବାଦ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଓଡ଼ିଶା କରିଥିବା ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଆବେଦନକୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ବୋଲି କହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କାହିଁକିନା ଆନ୍ଧ୍ର ସିଧାସିଧା କହିଛି କି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଥିଲା, ଏବେ ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ଦେଶ ପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟରଟିକୁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଫିଡେଭିଟ୍। ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ହିୟରିଂରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ ଦେଖିବେ 5-6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ 17ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖି 50 ପେଜ୍ର ସେମାନେ ଏକ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଯଦି କହିବେ 1952 ଆରମ୍ଭ କରିକି 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, କୋଟିଆ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି, 3ଟି ନିର୍ବାଚନ କଥା ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, 3ଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ, କେତେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ତା କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗୋଟିଗୋଟି କରି ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 1988 ଏବଂ 2006 ଯେଉଁ 2ଟି ମସିହାର କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଇଥିବା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ନାଁରେ ପିଟିସନ୍ ପକେଇଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଇଏ 2ଟି ଯାକ ପିଟିସନ ଯେତେବେଳେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ବା 2ଟି ଯାକ ପିଟିସନ ର ହିୟରିଂ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିନଥିଲେ, କେବଳ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ୟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନ୍ୟବର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ 2ଟି ରାଜ୍ୟର ଯଦି କହିବେ ବୟାନକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୂପରେ କୌଣସି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବା କୌଣସି ରାଜିନାମା ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସେଭଳି କୌଣସି ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛି। ପୂର୍ବ ହିୟରିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ସମାନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟରଟିର ହିୟରିଂ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଇଥିବା ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ପିଟିସନ ପକେଇଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଗଗନ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର କହୁଛି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଥିଲା, ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସବୁ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ରେ ରଖିବା ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।